Good morning, good morning. Good morning. और सब बढ़िया हो? बहुत दिन बाद क्लास हो रहा है यार। आई थिंक लगता है 2 दिन हो गया मैथ्स का, सैटरडे संडे 2 दिन ना। लास्ट क्लास फ्राइडे को हुआ था, है ना? चलो, और बाकी लोगों का रिजल्ट कैसा रहा? सबका रिजल्ट बढ़िया रहा ना? रिजल्ट सबका बढ़िया रहा? बोलो। ओके, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? मैथ्स में सबसे हाईएस्ट तुम लोगों में से किसका है? मैथ्स में हाईएस्ट तुम लोग 40+ कौन कौन लाए हो? नहीं, पहले 45+ लगा बताओ। 45+ में कौन कौन है? 45+ में कौन कौन है? 46 मौसमी का, वेरी गुड। और किसी का बताओ 45+। और कोई है क्या 45+? 40+, 40+ किसी का है? प्लस किसी का नहीं? 35+? 35+ तो बहुतों के थे, 35+ तो बहुतों के थे। 38 रोशन का है। ओके, ओके, ओके। चलो चलो ठीक है, मेहनत करो बढ़िया से ताकि आगे दिक्कत ना हो बोर्ड में, ठीक है? जो कंटिन्यू, देखो मेहनत करोगे तो बेशक नंबर आएंगे, मेहनत करोगे तो बेशक नंबर आएंगे। मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है, जो मेहनत करता है वो हर हाल में उसका नंबर आता ही आता है, ठीक है? तो इसलिए कुछ मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि हमें जितना टास्क मिल रहा है, जितना होमवर्क मिल रहा है, जितना बताया जा रहा है वो करने बस, ठीक है? उसके बाद अगर टाइम बचता है तो उसके बाद तुमको प्रैक्टिकल करने का मन कर रहा है कि नहीं, हमको आज किसी सिन्हा बनाएंगे, आर डी शर्मा बनाएंगे, तो और भी जो अदर कोचिंग है उसका भी मटेरियल बनाएंगे, उसके बाद तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन डिस्कस करो, पूछो, तो बताने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले सर्वप्रथम ये है कि पहले तुम जो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है वो चीज पढ़ो, वो चीज बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है? फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? सफिशियंट बताया जा रहा है, सफिशियंट क्या, मोर देन सफिशियंट कह सकते हो, ठीक है? सिर्फ सफिशियंट नहीं, बोर्ड के लिए मोर देन सफिशियंट बताया जा रहा है। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। 11E का शायद दिए थे ना होमवर्क, 11E डिस्कस भी किए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन 16-17 के आसपास डिस्कस किए थे। तो 11E में कुछ डाउट्स है तो पूछ सकता है, कुछ है क्या? अभी भी डाउट्स है क्या 11E में? 11E में अभी भी डाउट्स है क्या? बोलो।11E में अभी भी डाउट्स है क्या? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं बना है। ओके, एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 32, ठीक है? फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट, ठीक है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ठीक अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चोर है, चोरी है ना, नहीं दुश्मन है, ठीक है? दुश्मन है, वो उड़ रहा है। देखो कैसे हम लोग नियरेस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो हमारा
जो इसके पास बंदूक है, जो अगर मारेगा तो कहाँ जाके पकड़ेगा, ठीक है। कोई कर्व दिया हुआ है, कर्व के कैसे रहेगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू कैसे बनेगा, वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व ऐसे बनेगा, ठीक। वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कर्व ऐसे बनेगा, पैराबोला का कर्व है, ठीक। जो हमारा दुश्मन है, ठीक, हमारा नहीं, इसका क्या कहते हैं, क्वेश्चन का, क्वेश्चन में जो दिया हुआ सोल्जर का, ठीक है। तो ये दुश्मन जो है इस पॉइंट पे, इस कर्व पे यहाँ से शुरू किया होगा, मूव कर रहा है इधर, या फिर इधर से इधर कैसे भी कर रहा होगा, डायरेक्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। एक पॉइंट है 3.2 जहां पे सोल्जर है, तो सोल्जर जो है वो 3.2 पे है। तो देखो ये 3.2 जो है वो कहाँ होगा, 3.2 एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 2, मतलब ये हमारा जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है, वाई इक्वल टू 2 का पॉइंट है, लाइन है, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक। ये जो हमारा लाइन है, पहले ग्राफ बनाओ, ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, चित्र बनाओगे ना, चित्र, फिर सब चीज क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में चित्र बनाना सीखो पहले, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ वाई इक्वल टू टू, ठीक, यहां तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है, हम लोग मान लेते हैं 3.2, या एक्स इक्वल टू 3 मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3.2, 3.2 यही दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि इस कर्व पे जो शत्रु घूम रहा है, इस कर्व पे वह पॉइंट निकालो जो इस सोल्जर से, सोल्जर यहाँ पे है, सोल्जर जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है, सोल्जर हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे सोल्जर है हमारा, ठीक है, इस पॉइंट पे सोल्जर है। तो इस पॉइंट से इस कर्व पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, नियरेस्ट पॉइंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नियरेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, जहां से कर्व पे परपेंडिकुलर हो, बोलो, यहाँ पे हो सकता है, बोलो। अब ये नियरेस्ट पॉइंट हमें निकालना है, इस पॉइंट पे नियरेस्ट पॉइंट हमको, ये इस कर्व पे नियरेस्ट पॉइंट हमको निकालना है। लेट अस से द नियरेस्ट पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। हम लोग मान लिए नियरेस्ट पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यहां तक दिक्कत है तो बताओ किसी को भी कि सर क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, बोलो 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 बोलो, बोलो। फटाफट बोलो, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस 3.2 को हम लोग मान लेते हैं क्यू, वी हैव टू कैलकुलेट नियरेस्ट पॉइंट, दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, पी क्यू, पी क्यू का क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर लिख देते हैं, चलो पी क्यू का स्क्वायर लिख देते हैं, बताओ पी क्यू इक्वल, पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस टू, सॉरी एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का, वाई माइनस टू का स्क्वायर होगा। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा नियरेस्ट पॉइंट के लिए। नियरेस्ट पॉइंट का केस जो है वो होगा क्या, देर शुड बी मिनिमम डिस्टेंस फॉर कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब नियरेस्ट पॉइंट के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। हम लोग पहले पी क्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट वगैरह कर देंगे, आ जाएगा, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक है।
अब देखो पीक्यू स्क्वायर को ना, ये पीक्यू स्क्वायर लिखने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करना है। पीक्यू जो दिया है वो तो ठीक है, इसको हम लोग ना कुछ मान लेते हैं, लेट अस से डिस्टेंस डी, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो टू पी क्यू आ जाएगा, तो कैपिटल डी मान लो, डिस्टेंस लिख रहे हैं तो डी मान लो, ठीक है। एक्स माइनस थ्री तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस थ्री तो रहने दो। प्लस एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, पैराबोला ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो वाई माइनस टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, पुट कर दो y माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम द क्वेश्चन, जो हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। या फिर इस चीज को हम लोग यहीं पे लिख सकते थे, ठीक, क्या p x y को हम लोग लिख सकते थे x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू बोलो, ठीक है, ठीक है। Now, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं पहले, डी इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स का पावर फोर, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्यों वाई का टर्म हम लोग हटा दिए हैं, ठीक है, कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ था उससे हम लोग हटा दिए, तो डी डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री प्लस फोर एक्स क्यूब, और हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम और मैक्सिमा का कंडीशन लगाना है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यहां से एक्स का वैल्यू निकालो क्या होगा, जल्दी से बताओ एक्स का वैल्यू निकालो हीट एंड ट्रायल मेथड से, पिछला क्लास में बताए थे हम फ्राइडे को कैसे निकालते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, क्या देखो एक्स इक्वल टू कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे पहले जीरो करो, फिर वन करो, माइनस वन करो, टू करो, माइनस टू करो, देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है, वेरी गुड, एक्स इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके एक्स माइनस वन से डिवाइड करके देख लेना, बाकी दो रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एक्स इक्वल टू वन आ गया, अब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू में पुट कर देंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू थ्री, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पी वन कॉमा थ्री इज द करेक्ट आंसर, देखो चेक करो यही आंसर है क्या, बताओ बोलो, समझ में आया, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या इसमें, आराम आराम से करो, कंडीशंस को देखते चले जाओ, आराम आराम से करो, ठीक है, सब आएगा अपने आएगा, ठीक है, ओके आगे बढ़ो, और इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन, चलो तो आगे बढ़ो, मैं वैसे इसमें इस चैप्टर में वैसा कोई क्वेश्चन भी नहीं बचा हुआ है जो मतलब टफ है, ठीक है। चलो अब ना इसकी जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है, ठीक है, नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है उसमें, लेकिन जो उसमें जो क्वेश्चन है, जो अभी जो ये क्वेश्चन किए ना हम लोग, इसी के तरह सारा क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज में दिया रहेगा, ऐसे ही कंडीशन लिखना है, ठीक है, ऐसे ही सारा क्वेश्चन है, ऐसे ही दिया हुआ सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, बस अब ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, यही 21 वाला क्वेश्चन, इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बस वॉल्यूम एरिया रहेगा, कहीं कहीं डिस्टेंस निकालना रहेगा, कहीं पे कुछ
स्फीयर वगैरह दिया हुआ रहेगा, कहीं कोण दिया हुआ रहेगा, कहीं स्क्वायर दिया रहेगा, कहीं रेक्टेंगल दिया रहेगा, बस ऐसे ही है, बस कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड टू पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट, हुज प्रोडक्ट इज कितना 49, प्रोडक्ट दिया हुआ है 49, ठीक है, एंड द सम इज मिनिमम। ठीक है, देखो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद तुम इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो तुम लोग करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 49 दिया हुआ है और उसका जो जोड़ है वो मिनिमम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग दो नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, दो नंबर मान लिए एक्स एंड वाई। ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट मीन्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू 49, पहला कंडीशन। ठीक है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 49, तो उसका मल्टीप्लीकेशन या एक्स गुने वाई इक्वल टू 49। अब समेशन जो है वो होना चाहिए मिनिमम, वो होना चाहिए मिनिमम, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एस मान लेते हैं, मतलब सम मान लेते हैं, सम जो है एस मतलब सम। ठीक है, तो सम इक्वल टू हो गया, चाहे तो एक्स का वैल्यू ऊपर से इक्वेशन से इसमें पुट कर दो या वाई का इक्वेशन पुट कर दो, वाई का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, किसी का भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एक्स रहने देते हैं, वाई का पुट कर देते हैं, एक्स प्लस 49 बाई एक्स। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोलो यहां तक ये दो कंडीशन लिखने में किसी को दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब हमें चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, तो मिनिमम या मैक्सिमम का कंडीशन लगा देते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, वहां से पॉइंट निकल जाएगा, अगर दो पॉइंट आ जाएंगे तो वो हम लोग चेक कर लेंगे कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, अगर एक पॉइंट आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ds अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा क्या, x का डिफरेंशिएशन 1 और 49 बाई x का हो जाएगा -49 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए 0 के बराबर, ये होना चाहिए 0 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, दैट मीन्स x का जो वैल्यू आ जाएगा एक बार आएगा +7 और दूसरा बार आएगा -7। देखो यहाँ पे दो वैल्यू आया, 7 भी आया और -7 भी आ गया। अब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा, एक वैल्यू आता तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछा है, लेकिन हमें ये नहीं पता, दो वैल्यू आ गया लेकिन दोनों वैल्यू पे हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे मैक्सिमम आएगा और कहाँ पे मिनिमम आएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये भी कह रखा है हमें, ठीक है, क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर चाहिए तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ +7 होगा, -7 नहीं लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर नहीं दिया रहता तब डबल डेरिवेटिव चेक करते, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है इसलिए डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एलिमिनेट कर दो। ठीक है, एक्स इक्वल टू -7 हटा दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिविटी क्वेश्चन में ही हटा रखा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 7 हो गया तो वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, वाई का वैल्यू क्या होगा, बोलो एक्स इक्वल टू 7 है तो वाई इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ, 7, वेरी गुड, वाई का भी वैल्यू 7 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो समेशन क्या होगा, एंड द सम इज मिनिमम, चलो एक्स का वैल्यू 7 आ गया, वाई का वैल्यू 7 आ गया,
बस यही हमको चाहिए, मिनिमम वैल्यू पूछा नहीं है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछा नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो 39, किसी को कठिनाई समझने में बताओ, बोलो। अरे डिफरेंशिएट करो ना, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा यार, मतलब ds / dx s = है x + 49 / x, सिर्फ 49 / x जो है ना वो सिर्फ 49 डिवाइडेड बाय x है, पूरा x का नहीं है, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 49 को रहने दो। अब ये डिफरेंशिएशन पूछोगे क्या तुम लोग, डिफरेंशिएशन का कहानी अब खत्म हो चुका है, अब डिफरेंशिएशन पूछना पड़ेगा क्या, ऐसे ना करो यार, थोड़ा कठिन डिफरेंशिएशन रहे तब तो चलो भाई, हाँ ठीक है मान भी सकते हैं, तुम लोग हम समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का मास्टर बन चुके हो, तुम लोग पारंगत हो गए हो, प्रो वर्जन हो गए, प्रो वर्जन सुने हो ना, प्रो वर्जन सुने हो ना, प्रो क्या होता है, डायलॉग तो खूब मारते होगे तुम लोग, मारते होगे नहीं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स Which sum is 16? देखो इसी के बेस पे क्वेश्चन दे रहे हैं। Which sum is 16? Which sum of a square? Which sum of squares is 16? Sorry. Which sum is 16, ठीक है, and the sum of whose square is minimum, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, ये जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके, x और y का वैल्यू वैसे ही मानो जैसे यहाँ पे अभी बगल में किए हैं, दो नंबर मान लो x और y, दोनों का सम x प्लस y इक्वल टू 16 दिया हुआ है, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू सम मान लो, फिर y का वैल्यू वहां पे पुट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद बताओ क्या आ रहा है, जल्दी फटाफट बताओ निकाल के, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 8, चेक कर लेते हैं एक बार यार क्या आंसर दिया, वेरी गुड, 8 सही आंसर है, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। देखो x और y मान लो, x प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है क्या 16 दिया हुआ है, ठीक है, और x square plus y square equal to summation मान लो, और यहां से ds upon dx निकाल लो, ठीक है, after putting value of y, y का value put कर लेना 16 minus x, और उसके बाद निकाल के बना लेना है जिससे नहीं बना है, ठीक है, okay, next question देते हैं, ठीक है, next question क्या है, ठीक, देखो question क्या है, find dimension of rectangle, dimensions of rectangle, dimensions का मतलब है, कोई बताएगा हमें dimension of rectangle क्या होता है, क्या क्या निकालना, find dimensions of rectangle of area 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बताओ डायमेंशंस मतलब क्या निकालना है, कुछ पेरीमीटर इज लिस्ट, लेंथ एंड ब्रेथ, वेरी गुड, कुछ लेंथ कुछ पेरीमीटर इज लिस्ट, ठीक है, कुछ पेरीमीटर इज लिस्ट,
also find perimeter. चलो एक बार ये सवाल ट्राई करो, आंसर बताओ क्या होगा. हाँ वेरी गुड. एल और बी डायमेंशन यार विचार नहीं. डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई जो होता है ना रेक्टेंगल का, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है चलो बनाओ इस सवाल को. सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मान लो, x जो है वो, या फिर लेंथ l इक्वल टू लेंथ मान लो और b इक्वल टू ब्रेथ मान लो. ठीक है, l इंटू बी दिया हुआ है 96. ठीक है, एंड पेरीमीटर जो है वो होता है l प्लस बी. लेकिन ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि वह वैल्यू निकालो जहां पे पेरीमीटर जीरो हो, मतलब dp बाई dl या db जीरो कर दो, dl या db कोई भी एक जीरो कर दो, तो हम dl ले ले रहे हैं. l का वैल्यू, b का वैल्यू निकाल दो इस वाले इक्वेशन से, b का वैल्यू इस वाले इक्वेशन से निकाल लो और दूसरे वाले में पुट कर दो. बताओ कितना आ रहा है, l का वैल्यू कितना आ रहा है और b का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो. बताओ जल्दी से. वन बाई रूट टू. ना 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 गड़बड़ हो गया तुम्हारा. फोर रूट सिक्स जिसका भी आया सही है, फोर रूट सिक्स जिसका भी आया है सही है. और लेंथ का और ब्रेथ का 4√6. हाँ ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगा. ठीक है वेरी गुड. मौसमी एक बार चेक करो अपना, अपना वैल्यू चेक करो. ठीक है अपना वैल्यू एक बार चेक करो. dp by dl इक्वल टू जीरो कर दिए. ठीक है तो सबसे पहले p का वैल्यू ही निकाल लो बढ़िया से. ठीक है टू l तो रहने दो, b हो गया क्या 96 अपॉन l. ठीक है अब dp अपॉन dl निकालो. हाँ पेरीमीटर जो है वो 16√6. क्यों आएगा 16√6? ठीक है 16√6. हाँ ठीक है, चार चार आठ, आठ गुना दो 16√6. वेरी गुड. ठीक है dp अपॉन dl इक्वल टू, टू तो बाहर में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, l का हो जाएगा 1 माइनस 96 अपॉन l स्क्वायर एल स्क्वायर. ठीक है इक्वल टू जीरो कर दो. ठीक तो यहां से एल स्क्वायर जो हो जाएगा, बाकी टू तो जीरो हो जाएगा, एल स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 96 हो जाएगा. तो एल का जो वैल्यू हो जाएगा यहां से, नेगेटिव वैल्यू हम एलिमिनेट करके रख रहे हैं चल रहा है. ठीक है तो यहां से आ जाएगा 4√6. ठीक है 4√6. जब 4√6 एल आ गया तो b का भी वैल्यू आ जाएगा क्या 4√6. ठीक है बोलो कोई दिक्कत.
मौसमी तुम्हारा सही हुआ। ठीक है देखो, सुनो मेरा बात ध्यान से सुनो। ये तीन चार क्वेश्चंस तुम्हारे एक्सरसाइज का था, 11F का था, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 11F में कोई कंसेप्ट नहीं है। बस जो अभी तक तुम लोग 10वां क्लास तक पढ़ते आए हो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द पेरीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, यही सब यूज होगा। और उसके बाद लास्ट में ये दो कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे हम निकाले, ये जो दो कंडीशन है, एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, दूसरा कंडीशन फॉर्मूला से लिखना है, और पहला कंडीशन को दूसरा कंडीशन में पुट करना है। उसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है, dP अपॉन dL या dS अपॉन dx या समथिंग अपॉन dS dx, मतलब डिफरेंशिएशन हमको जीरो के बराबर करना है। और जब जीरो के बराबर करोगे तो वहां से एक पॉइंट आ जाएगा, चाहे एक पॉइंट आए, चाहे दो पॉइंट आए, चाहे तीन पॉइंट आए। और अगर क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, नहीं दिया हुआ, जैसे देखो इस क्वेश्चन में एल स्क्वायर इक्वल टू 96 था, तो यहाँ पे एल इक्वल टू प्लस माइनस 4√6 दोनों आता है। ये कंडीशन अगर तुम लोगों को समझ में आ गया है तब तो ठीक है, अगर नहीं आया था तो ये चीज पूछना चाहिए था, सर -4√6 क्यों नहीं दिए, ये कंडीशन पूछना चाहिए था तुम लोगों को, ठीक है। हालांकि नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज पूछना चाहिए था कि सर एल इक्वल टू 4√6 एंड -4√6 दोनों आएगा, तो भाई यू एलिमिनेट नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन वाला वैल्यू आप क्यों एलिमिनेट कर दिए, ये पूछना चाहिए था, ठीक है। लेकिन तुम लोग नहीं पूछे, इसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, मौसमी का आंसर सही है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छा, जिसको नहीं आता है तो ये सवाल पूछना चाहिए था, ठीक है। ये सही आंसर है, लेंथ जो होता है रेक्टेंगल का वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि क्या तुम लोग 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 11F बना पाओगे, बना पाओगे इन द सेंस कि मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे, जो नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूँ ही, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा बस पूछ लेना, मैं बताऊंगा उसे, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, बना लोगे? तो ये सारा क्वेश्चंस बनाना, नहीं बनेगा मान लो कि किसी क्वेश्चन में अगर आता भी है, मतलब सडनली अगर कुछ डाउट्स आ रहा है तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप में भेज दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिया करो, ग्रुप में भेज दो या मेरे को पर्सनली भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, अगर कहीं फंस गए हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं बना दूंगा, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकता है, कुछ डाउट्स है क्या, बोलो बोलो, कुछ डाउट्स है तो बोलो। और ये थोड़ा जल्दी बनाना यार, कोशिश करना कि ये क्वेश्चन कल 3100 का 3100 बना लेना, 30-31 क्वेश्चन है ये कर लेना यार, ताकि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम ये डेरिवेटिव वाला जो पूरा यूनिट है वो खत्म कर दें जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद अगर कल खत्म कर दोगे तो परसों हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, मोनोटोनिसिटी क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर तुम लोग कल सारा क्वेश्चंस बना के आओगे तो उसके बाद अगर कल बना लोगे तो कल हो सकता है डिस्कस कर देंगे, एक दो दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर पूरा, ठीक है, ओके। तो अभी बैठ के बनाओ, कहीं जाना वाना मत, अभी तुरंत बैठ के बनाओ,